हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन से सफ़र तो किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आप में से कुछ लोग बोलेंगे 1950 तथा 1905 ईस्वी, बट ऐसा नहीं है। भारतीय रेल का इतिहास 168 साल पुराना है। देश में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से थाड़े के बीच चलाई गई थी। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। भारत में रेलवे नेटवर्क की बात किलोमीटर्स में की जाए तो भारत के पास 65,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 2.5 लाख किलोमीटर, एंड सेकेंड चाइना 1 लाख किलोमीटर, एंड थर्ड रशिया 85,000 किलोमीटर, एंड लास्ट फोर्थ जो कि भारत है 65,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल पर डे 15 से 18 लाख लोगों को ट्रेवल कराता है। भारत में टोटल पैसेंजर ट्रेन 14,000 के आसपास है तथा टोटल स्टेशन 7,349 है। भारतीय रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसे ऑपरेट करने के लिए इसको 17 जोन में बांटा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस लाइक दिस वीडियो।